अंग्रेजी अखबार के शब्द में आपका स्वागत है। वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप लोग 3 से 5 मिनट कम से कम इंग्लिश को डेली दें। ये नहीं सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आपकी लाइफ में बेसिक लेवल पे इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में और इंग्लिश ज़रूरी है, तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आप समझ रहे हैं, समझ ले तो वर्ड पावर आप बढ़ाइए। वाइंड अप एक है, टू फिनिश टू कंक्लूड। वाइंड अप का मतलब समाप्त करना, टू फिनिश टू कंक्लूड। दिस वर्ड इज यूज फॉर बिजनेस फॉर्म एंड न्यूज और प्रोग्राम। द गवर्नमेंट इज कंसर्न ओवर द इशू पर्टेनिंग टू वाइंडिंग अप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द स्टेट। ठीक है, दिस कंपनी इज वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस फ्रॉम दिस स्टेट। ये कंपनी अपना बिजनेस को यहां से खत्म कर रही है, समाप्त कर रही है। वाइंड अप का मतलब टू फिनिश टू कंक्लूड। मेनली आपको ये याद करना है और आप इसका यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बूम, बूम का मतलब तेजी से बढ़ना। बूम सर्ज, SURG, बूम और सर्ज। रियल एस्टेट बिजनेस बूम इन नॉर्थ इंडिया, बूम इन नॉर्थ इंडिया। अब इसमें आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, आप बनाइए। कस्टमर्स आर मोस्टली ऑप्टिकल फॉर फ्लैट टेलीविजन सेट टू स्टीप डिक्लाइन इन प्राइसेज एंड डिमांड इज बूमिंग अक्रॉस मिडिल एप लोअर एंड कस्टमर। एक सेंटेंस आप जरूर याद कीजिए, बार बार इसको पढ़िए ताकि आपका क्लियर हो जाए। रियल एस्टेट बिजनेस बूम इन नॉर्थ इंडिया मतलब तेजी से आगे बढ़ा। फर्म या उद्यम को आर्थिक सहायता। गवर्नमेंट विल सून अनाउंस अ डिफरेंट सब्सिडी रिजीम फॉर द एरिया एंड फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूरिया एंड फर्टिलाइजर कंपनी प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव एंड पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट देखिए, टैरिफ मतलब रेंटल। टैरिफ का मतलब रेंटल। इन एन अपेरेंट लैक ऑफ डिजायर रिस्पॉन्स टू इट्स मच हाइप्ड वन इंडिया टैरिफ प्लान फॉर फिक्स्ड लाइन सर्विसेस। टैरिफ मतलब जो काम किराए पे लिया जाता है। सेस ये लोकल टैक्स है। सेस का मतलब टू ले टैक्स ऑन, कर लगाना, सेस लगाना। जैसे एजुकेशन सेस है, होता है किसी चीज़ पे कर लगाने को सेस कहते हैं। इन सब चीज़ों को एक नज़र आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड कभी कभी यूज हो जाते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। स्पीड अप टू हैस्टन, स्पीड अप का मतलब तेजी करना, टू हैस्टन जल्दी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन कोल सप्लाई एंड टू रिमूव बॉटल नेक्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। तो स्पीड अप का मतलब टू हैस्टन, तेजी करना। नेक्स्ट देखिए, पेन ए मर्जर डील, मर्ज डील पर लिखना हस्ताक्षर करना। पेन ए मर्जर डील मर्ज डील पर हस्ताक्षर करना। टू वार्ड मिडल ऑफ लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी पेरेंट ए मर्जर डील विथ रशियन पीयर सेवेस्टल बट इन द पास्ट वीक ए शेयर होल्डर रेबेलियन हैड बीन ब्रीविंग एवर फेयर ऑफ हु वुड अल्टीमेटली कंट्रोल आर सेलर। मर्ज टू बी मिक्सड अप और कंबाइन, मर्ज का मतलब मिक्स होना और कंबाइन होना, मतलब मिक्स कर देना दो चीज को, उसको बोलते हैं मर्ज। मर्जर डील का मतलब डील पर हस्ताक्षर करना। पेन ए मर्जर डील का मतलब किसी भी डील पर हस्ताक्षर करना। मर्ज का मतलब मिला देना, टू मिक्सड अप। मार्केट पंडित, मार्केट पंडित का मतलब मार्केट के महान विद्वान। हार्डन टू मेक हार्ड फर्म क्रूएल। हार्डन का मतलब टफ, मुश्किल। अब इस पर आप वीडियो आप क्या करें कि इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए, नए वर्ड को आप याद कीजिए। हार्डन टू मेक हार्ड फर्म क्रूएल। द करेंट फॉल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड एज द इंटरेस्ट रेट have started hardening, said a fund manager. Hardening का मतलब टफ होना,
फर्म होना, मुश्किल होना। तो ये रहा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश को मत भूलिए, इंग्लिश पर लगे रहिए।